दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे दोस्तों। और दोस्तों ये जो पिंजरा मैं बना रहा था, तो पिंजरा इतना बना है, आप देखिए ये जो पिंजरा है और इसमें ये मैंने प्लास्टिक की शीट लगाई है, ये देखिए आप, ये अभी लगाई नहीं है पूरी तरह से। मैंने सोचा आपको मैं बता के लगाऊंगा कैसे किस तरह से लगाना है। और दो चीज़ें आज मुझे बताना है आपको, तो एक तो ये प्लास्टिक की शीट जो है ये बताना है, और दूसरी चीज़ जो है ये गेट, ये देखिए ये जो गेट है ये मैं लेके आया था, ये पुराने मार्केट से लेके आया था मैं, जो लोहे का पुराना मार्केट होता है, कबाड़खाना बोलते हैं जैसे हमारे यहाँ, तो मैं वहाँ से ले आया था। और मुझे गेट भी किस्मत से बिल्कुल वैसा ही मिल गया जैसा कि मैं लगाना चाह रहा था। ये पिछले वाले पिंजरे का जो गेट है उससे ये थोड़ा बड़ा है, और ये खिड़की है क्योंकि ये दरवाज़ों उसमें मकानों में लगती है, खिड़की टाइप है ये, और खिड़की को मैंने गेट बनवा लिया। तो ये जो ये लगे हुए थे ये देख रहे हैं आप, तो ये उतना मुझे आसान नहीं लग रहा था इसे बार बार बंद करना, तो ये एक और लगा लिया मैंने अलग से सेफ्टी के लिए, कुंदा है जिससे कि ये बंद हो जाएगा। और ये देखिए ये इस तरह से, ये जो थोड़ा करीब से भी आप देख सकते हैं, ये बोल्ड मैंने कस दिए इधर, अगर बड़ा नहीं आ रहा था तो छोटा कस दिया, लेकिन ये देखिए बहुत मज़बूत है। और इधर देखिए इस साइड अगर आप देखें तो ये बोल्ड मैंने इस तरह से वाशर लगा के ये कस दिए। और ये जो एंगल देख रहे हैं आप, ये दीवारों में दबे होते हैं, जो मकान बनते हैं उसमें ये खिड़कियाँ लगती हैं जो भी होता है, तो ये दीवार में दबे होते हैं एंगल, तो ये एंगल मैंने इसमें ये कस दिए, ये बोल्ड से कसे हैं। और ये देखिए आप इधर से भी देख लीजिए, ये बोल्ड से कसे हैं, और इस साइड से भी देख लीजिए आप पीछे से, ये बोल्ट से मैंने ऐसे कस दिए और कुछ नहीं करा है। और अब देखिए आपके ये मैंने चार जगह इधर और इधर, और ये देखिए ये इधर, और ये देखिए दोस्तों ये इधर, ये इस जगह पे और ये यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने इस तरह से, ये जो गेट दिख रहा है आपको, ये पूरा गेट जो है कि यहाँ कहीं पे भी चिपका हुआ नहीं है, ना इसका इससे कोई ताल्लुक है, और ये सिर्फ ये चार जगह पे कसा हुआ है, इधर इधर और इधर। और देखिए कितना अच्छा मजबूत कसा हुआ है, ये ना हिल रहा ना कुछ हो रहा है। और ये देखिए ये इस तरह से मैंने गेट लगाया, और ये देखिए ये वाला जो है एंगल ये गेट का ही है, ये देखिए, और वो नीचे वाला है उस साइड से, और ये वाला जो एंगल जो मुझे लगाना पड़ा, ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला जो एंगल लगा है इसका इससे गेट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि ये दूर हो रहा था तो जाली यहाँ तक आ जाएगी। अब ये जाली जो है इसमें मैं फिट कर दूंगा बोल्ट से, ये जाली जब यहाँ से आएगी ऊपर से तो ये यहाँ तक आएगी और यहाँ तक आ जाएगी, इसलिए ये एंगल लगाया, और थोड़ा अच्छा भी लग रहा देखने में, इसलिए अलग से मैंने गेट के लिए एंगल लगा दिया। तो बाकी ये गेट लग गया दोस्तों, अब देखिए आप और उधर से गेट बता, और ये जो गेट देख रहे हैं आप, ये नीचे देख रहे हैं आप, तो दोस्तों देखा आपने कि ये गेट को मैंने कुछ नहीं करा है, बस चार बोल्टों से इसे कस दिया है मैंने चारों तरफ से, और इनमें छेद कराया लाया था, बस मैं ये जो एंगल है इनमें छेद करा लाया था, इनमें छेद करा लाया था मैं, छेद करके और इन्हीं एंगल पे छेद वाले एंगल में मैंने इसे कस दिया है। और अब आपको मैं ये बताता हूँ, ये देखिए ये शीट है जैसे प्लास्टिक शीट है ये, तो पिछले वाले पिंजरे में भी आपको देख रहे हैं उसमें भी मैंने प्लास्टिक की शीट लगाई थी, और ये वाले पिंजरे में भी मैं ये प्लास्टिक की शीट लगाऊंगा। और देखिए आप इसको भी मैं बोल्ट से कसूंगा, तो कुछ तो बोल्ट मैंने कस दिए थे और कुछ बोल्ट मैं आपके सामने कसूंगा, क्योंकि मुझे आपको एक एक चीज़ बताना है कि फिर बाद में कोई भाई ये नहीं पूछे कि कैसे कसा था और कैसे बोल्ट कसे थे, क्या हुआ था, तो इसलिए मैं हर चीज़ बता रहा हूँ, भले ही थोड़ा सा देर लग रही है, थोड़ी सी देर लग रही है, और वीडियो भी मैं कुछ देर में बना पा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ बताऊँगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको किस तरह से लगाना है, और ये शीट को लगाने से पहले मैं आपको नाप बता देता हूं एक बार, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिन भाइयों ने, जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पहला वीडियो भी देखा हो, नए दोस्तों के लिए हर चीज़ क्लियर होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जो भी वीडियो देख रहे हो तो उन्हें पता हो। तो दोस्तों इसकी नाप जो है वो ऐसी है कि इसकी जो ऊँचाई है, ऊँचाई जो आप देख रहे हैं ये है जो इसकी हाइट जो है इसकी, ये 7 फीट है, 7 फीट, तो ऊंचाई 7 फीट है। और दोस्तों इसकी जो लंबाई है, ये जो आप देख रहे हैं लंबाई, इसको ये लंबाई को आप जो देख रहे हैं, तो ये लंबाई जो है दोस्तों इसकी 8 फीट 3 इंच है, लंबाई जो है 8 फीट 3 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई है आप देख रहे हैं, ये गहराई कहेंगे या इसे चौड़ाई कहेंगे, ये जो है ये 4 फीट 4 इंच है।
तो इसकी जो गहराई देख रहे हैं आप, ये 4 फीट 4 इंच है इसकी गहराई। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये जो चादर है, और चादर को ज़रा अच्छे से ऐसे खींच के, और ये देखिए आप, इसमें छलें नहीं आए, ताकि वैसे भी नहीं आती, तो इस तरह से करके, और ये छेद करने का ये जो देख रहे हैं आप, ये सुम्बी है, इसको सुम्बी बोलते हैं, और ये इस तरह से छेद कर दें इसमें। ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये छेद हो गया, और ये देखिए पहले इससे कर लिया, और फिर अगर इस तरह इस टाइप के आपके पास औजार हो, ये भी छेद करने की, ये सुम्बी है, तो ये देखिए राड का बना हुआ है ये, आप भी बना सकते हैं ऐसा, और इसको थोड़ा सा और छेद कर लें अच्छे से। ये अब ये जो बस अंदाज से इतना छेद कर लें कि बोल्ड आ जाए इसमें, और बोल्ड जो है आप देख रहे हैं, ये बोल्ड इसमें कस दो। ये देखिए आप, ये बोल्ड कसना दोस्तों, ये वाशर लगा दें इसमें, ये जो वाशर है, क्योंकि चादर है इसलिए वाशर लगाना अच्छा रहेगा। ये देखिए आप, ये आ गया बोल्ट, और इसको इधर से फिर कस दिया, सिंपल है, और इसमें कुछ खास नहीं करना है इसमें। ये देखिए ये जो है चादर में इस तरह से ये बोल्ट कसना है आपको, और फिर जब ये बोल्ट कस गया तो इसको पानी से कस दें, कुछ नहीं है इसमें जी। ये देखिए और अभी तो मुझे कसना आपको, और इस तरह से बोल्ट लगा दीजिए, जैसे एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, और इस ऊपर देखिए आप, ये एक बोल्ट यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाए, तो इस तरह से बोल्ट लगा दें आप खुद अपने हिसाब से सोच समझ के। अभी तो मुझे बहुत सारे इसमें बोल्ट लगाना है, और ये तो मैंने दिखाया था आपको सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको दिखाया था एक बोल्ट लगा के, और बाकी अभी इधर भी लगाऊंगा मैं। तो इस तरह से ये चादर को कसना है, तो ये 7x9 का है, यानी कि इसमें 9 फीट ऐसा है और 7 फीट ऐसा है। 9 फीट इसलिए ले लिया कि थोड़ा सा इधर निकल जाए या कम नहीं पड़े, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पीस, ये छत पे लगेगा, और ये जो है ये 5x9 का है, क्योंकि मैंने 5 इसलिए ले लिया कि ये थोड़ा सा ये भी इधर निकल जाए ज़रा सा, तो इसलिए लिया था। अब इसको मैं छत पे लगाऊंगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये चादर जो है, मैंने शीट जो है ये ऊपर अभी सिर्फ रखी है, इसे कसी नहीं है, और आप देख रहे हैं बिल्कुल ये ठीक ठाक आ गई है, 5x9 की है, जैसे मैंने बताया आपको कि 5 फीट इसकी चौड़ाई है और 9 फीट लंबाई है। तो ये देखिए अगर ये है तो इस पर तो सिर्फ ये बांस की पिंची वगैरह लगा दो कुछ यहाँ पे। अब दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये जो चादर है, तो इसको इसके ऊपर लेके, और मैं इस तरह से ये देख रहा है, इस तरह से एक बोल्ट यहाँ कस दूंगा और एक बोल्ट यहाँ ऊपर कस दूंगा यहाँ पे, तो एक बोल्ट इधर ऊपर कस दूंगा और एक बोल्ट यहाँ कस दूंगा, तो ये ज़रा सा अगर पानी वानी गिरेगा तो इसके इधर से बह जाएगा, तो इसको इसी तरह से मैं कस दूंगा। अब दोस्तों ये जो बोल्ट दिख रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ इसी बोल्ट को खोल के और चादर में छेद करके और यहीं कस दूंगा, और ये देखिए आप, ये बोल्ट है और यहाँ पे ये चादर कस जाएगी, और एक यहाँ पे कसूंगा और एक इसके नीचे भी कस दूंगा एक बोल्ट। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक बोल्ट यहाँ पे कसा और एक इधर कस दिया और एक बोल्ट ये इधर कस दिया, और फिर बाकी ऐसे बोल्ट कसेंगे और इधर कसेंगे, और देखिए ये बोल्ट लगा दिया मैंने। तो फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है दोस्तों, और फिर अगले वीडियो में जाली का बनाऊंगा कि जाली को किस तरह से लगाना है। दोस्तों अब अगले वीडियो में मुलाकात होती है आपको, मैं जब जाली लगाऊंगा पिंजरे में, तो फिर एक और वीडियो बनाऊंगा जाली लगाते हुए।
कि जाली को किस तरह से लगाना है। तो ठीक है, इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होती है।